मंदसौर में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन मंदसौर की सड़कों पर जन सैलाब देखने को मिला। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर हमारे हाथ लगी जो काबिले तारीफ है। दरअसल मंदसौर में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा के 7 दिवसीय संगीतमय कथा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए प्रशासन से लेकर आम जन तक सभी सेवा भाव से जुट गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जो लोग दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोजी रोटी कमाते हैं, वे भी इस ज्ञान के गंगा में आहुति देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देश भर से मंदसौर आने वाले श्रद्धालुओं को कथा स्थल तक निःशुल्क छोड़ने का फैसला टेम्पो चालकों ने लिया है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऑटो संचालकों ने कथा के लिए बाहर से आने वाले भक्तों को निःशुल्क कथा स्थल तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। सभी संचालकों ने ऑटो पर निःशुल्क सेवा का बैनर भी लगवा रखा है। वहीं इस दौरान नवरात्रि में व्रत रखने वालों के लिए भी भक्तजनों द्वारा खिचड़ी बांटी जा रही है। आज जो रिक्शे में सवारी को ले जा रहे ला रहे हो, तो क्या निःशुल्क ले जा रहे हो? क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा दे रहे हैं हमको। कहाँ से ला रहे हैं इनको? गेट पे से ला रहे हैं, श्रीकोंड से। गांधी चौराहे पे है क्या अपने ऑटो? नहीं, गांधी चौराहे पे नहीं, बस इधर। यहाँ से लाना ले जाना फ्री? आगंतुक सभी मेहमानों के लिए निरंतर जल सेवा है। लगभग यहाँ 10 काउंटर से 12 काउंटर लगे हैं जल मंदिर के। ठंडा जल सभी के लिए उपलब्ध है। श्री शिवाय नमस्ते। आज जिस प्रकार से खिचड़ी वितरण की जा रही है, क्या कहना? महादेव की आज असीम कृपा है, जो आज इतनी लोग जो भक्तजन जो आ रहे हैं, शिव महापुराण जो रखी गई मंदसौर में, भगवान महादेव पशुपनाथ को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, आज हमने जो 11 क्विंटल खिचड़ी का 7 दिवस जो हम खिचड़ी बांटेंगे, उसमें ये रखा है कि भाई खिचड़ी भक्त लोगों को सबको मिले। 9 बजे चालू करते हैं, जब तक हमारी खिचड़ी बढ़ती है कम से कम 11 क्विंटल जब तक चलती है चलाते हैं। और भगवान से सबसे प्रार्थना, सब खिचड़ी का भोग भगवान को लगने के बाद सेवन करें। और सबसे ये निवेदन है कि जो भी आए अपना जो सहयोग दे सके, तन मन धन से सेवा हमारे साथ हम भी कर रहे हैं और आप लोग भी सहयोग। मंदसौर से पीडी बरागी की रिपोर्ट।